वेलकम बैक टू स्टडी विद आरएस। तो आज हम एडिशन सीखने वाले हैं। तो आपको बता दें एडिशन में करना क्या होता है। एडिशन में सिंपली हमें गिनती गिनना होता है। अगर हमें जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और बोला ऐड, ये एडिशन का साइन होता है, ये जो मैं ऐसा बना रही हूँ ये एडिशन का साइन होता है। उसमें सिंपली हमें ऐड करना रहता है। ऐड मतलब उसको जोड़ना रहता है। जैसे 3 है, 3 को 1 जोड़ा, 1 ऐड किया तो 4 होता है। अभी गिनो, 1 2 3 4। इसके लिए आपको गिनती याद होना चाहिए, काउंटिंग याद होना चाहिए। मीन्स 1 के बाद 2 आता है, 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सब आना चाहिए आपको। 3 + 1 = 4, मैंने अभी आपको बताया 3 + 1 = 4। गिनिए, आप गिनिए, मीन्स आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 4। आंसर इज 4, समझे। तो अभी हम लोग सम सॉल्व करके देखते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर ले लिया है। अभी हम लोग को सॉल्व करना है ये 12 + 10। सिंपली इसे प्लस करना है तो 2 + 0, 0 का वैल्यू नहीं होता कुछ भी, तो 2 ही रहेगा। जैसे अगर आपने 2 पेंस के साथ अगर कुछ भी नहीं डाला तो वो 2 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा। अगर वो किसी भी चीज़ के साथ जैसे 0 के साथ सिर्फ प्लस होगा तो हमेशा 2 ही रहेगा, जो नंबर रहेगा वही नीचे आएगा। और 1 + 1 = 2, तो इसका आंसर है 22, समझे। 1 + 1 = 2 होता है। अभी हम लोग 13 + 17 करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबके पास हाथ होगा तो 7 निकालिए उसमें। 5, एक हाथ में 5 उंगलियां होते हैं, 5 और यहाँ पे 2, तो गिनी अभी 7 होता है ये पूरा। उस पर बोलता है 3 प्लस करो, तो हम 3 प्लस करेंगे, 1 2 3। देखो 3 प्लस किया तो कितने हुए, 5 5 10 होते हैं। तो देखो इसको लिखते कैसे, आप यहाँ पे डायरेक्ट 10 नहीं लिख सकते, आपको ये 1 ऊपर डालना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा आपको 1। अब इसको गिनिए, ऐसा नहीं कि इसे आपने कैरी किया तो आपने इसे काउंट नहीं किया, इसे काउंट करना होगा आपको 1 2 3। तो आंसर आता है 30, तो 13 + 17 = 30 होता है, समझे। अभी हम सिंपल एडिशन देखते, 5 + 1, ये 5 है, इस पर प्लस 1 किया तो कितना होता है आप ही बताइए, कमेंट डाउन करके बताइए कितना होता है। 6 होता है, सिंपल। ये बहुत आसान होता है, इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल होता है, कोई भी कर सकता है। अभी हम 9 + 7 करते हैं। 9 उंगली निकालिए, देखिए 9 है, काउंटेड डाउन कितना है, 9 है। नाउ 9 + 7, अभी 7 कैसे करने का, 9 हो गया फिर में 7 उंगली, 7 देखिए मैंने 7 उंगलियाँ निकाली, गिनिए काउंटेड डाउन 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। अभी 9 हमारा पहले से ऑलरेडी 9 है, तो हम अभी 9 के बाद काउंट करेंगे 7 तक। 7 उंगलियाँ निकाला है मैंने, अभी मैं काउंट करती हूँ 10 11 12 13 14 15 16, आंसर इज 16। तो 9 + 7 = 16। दो डिजिट में कैसे सॉल्व करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे, 2 डिजिट वाले नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे ये 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। अभी 8 + 9, तो ऑलरेडी 9 उंगलियाँ हैं हमारे पास, अभी 8 उंगलियाँ निकाल लीजिए आप लोग। सिंपली आप लोग ऐसा डॉट में भी काउंट कर सकते हैं, 8 डॉट्स बनाइए उसे कीजिए, लेकिन ये ज़्यादा सिंपल होता है, उंगलियों वाले फिंगर्स वाले ज़्यादा सिंपल होते हैं। अभी 9 + 8 करते, तो अभी गिनते 9 10 11 12 13 14। अभी ये 8 निकाला था हम लोग ने, यहाँ पे 14 हुआ है, 15 16 17, तो आंसर इज 17। अब हम डायरेक्ट 17 नहीं लिख सकते, मैंने आपको बताया है कि आपको ऊपर लिखना होगा कुछ भी, यहाँ पे 1 डिजिट ही लिख सकते हैं, 2 डिजिट नहीं लिख सकते हम लोग। तो यहाँ पे ऊपर हम लोग 17 आया तो 1 कैरी करेंगे। अब हमें इस 1 को भी काउंट करना होगा, तो 7 + 1 = 8, यहाँ पे भी 17 ही आता है। देखो आप कैसे 7 + 1 = 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पे मैंने 9 तक काउंट किया है क्योंकि यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 + 1 = 8, तो 8 के बाद हम लोग काउंट करेंगे 9 तक, तो 8 के बाद 9 तक काउंट किया तो फिर से 17 ही आता है आंसर, तो हमें 1 7 17 लिख देना है। इसके बाद अगर फिर से यहाँ पे कोई डिजिट होता तो हम कैरी करते, इसे भी हम फिर से आगे वाले के ऊपर दे देते और उसको हम काउंट करते, लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 डिजिट लिख सकते हैं, तो यहाँ का आंसर आता है 117। अभी हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं,
ये सिंपल है, 2+1 इज इक्वल्स टू 3 होता है, 8+2, ये देखो 8 निकाला मैंने, अभी उसको 2+ कीजिए, यहाँ पे 2 है तो मैंने 2+ किया है तो 10 होता है 10। अभी 7+1 देखिए, आपके पास ये 5, 6, 7+1 तो कितना होता है 8 होता है, तो हम 8 लिख देंगे, 803 आंसर आता है। अभी आप ये वाला देखिए, 6+2 देखिए, 6+2 कितना होता है 8 होता है। सो सिंपल आप लोग ये कर सकते हो खुद से, 7+1 कितना होता है 8 होता है, और ये 8 यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा रहता है तो मतलब यहाँ पे 0 है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया किसी भी नंबर के साथ अगर 0+ होता है तो हमेशा वो ऊपर वाला नंबर ही आता है। अब जैसे यहाँ पे ऊपर 0 लिखा रहे हैं, यहाँ पे 10 लिखा रहे हैं, तो भी आंसर 10 ही आएगा क्योंकि 0 कंसिडर नहीं करते हम लोग, वही नंबर आएगा जो है 0 के अलावा, समझे। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, तो यहाँ पे नीचे 8 आएगा, इसका आंसर 8 होता है, 888। अब इसको सॉल्व करते हैं 3-डिजिट नंबर को, 3-डिजिट के साथ। तो देखो 7+3 कितना होता है, देखो ये हुआ 7, काउंट डाउन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7+3 बोला है। अभी 3+ करो, 1, 2, 3 हमारा अंदर है, अभी हम 3 को भी निकालेंगे तो कितना हुआ 10 होता है, क्योंकि यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, 10 होता है। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते, हम कैरी करेंगे क्योंकि ये बाजू में नंबर है, तो हम लोग इसे कैरी करेंगे। तो 2+1 कितना होता है 3 होता है, 3+6 करते हैं। अब देखो अपने पास 6 नहीं है, ये देखो 6+3 बोला है, 2+1 3, तो 3 निकालो। अभी काउंट करो कितना है ये, 5, 6, 7, 8, 9 होता है। अभी यहाँ पे अगर 10 रहता तो हम फिर से यहाँ पे 1 ऊपर करके यहाँ पे 0 करते, लेकिन हमारा नंबर 9 आया, 2 डिजिट नहीं आया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5+1 इज इक्वल्स टू 6। अगर 10 आता तो यहाँ पे हम कुछ नंबर डालते हैं 1 और फिर में इसको भी प्लस करते, लेकिन यहाँ पे 9 ही आया है तो हम इसे 6 से लिखेंगे, 690 इसका आंसर है। ये बहुत सिंपल है, मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आपको ये सब कर लेना है, खुद से ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो मुझे बोलो कि ये वाला नहीं आता है, कमेंट डाउन, मैं आपको सॉल्व करके दूसरे वीडियो में बता दूँगी। 1+0+237 ये सिंपल है बहुत, ये वाला सॉल्व करो और दूसरा थोड़ा अच्छा वाला थोड़ा और, बहुत सिंपल होता है, बस उंगली को मदद से करो। हम 737+892 इसे प्लस करो, समझिए, आपका होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।